नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। वाराणसी, प्रयागराज समेत यूपी के 24 जिले ऐसे जहां पर बाढ़ की विभीषिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की बात करें तो गंगा अलग अलग रास्तों से शहर में दाखिल हो रही है। बाढ़ से बर्बादी झेल रहे लोगों का गुस्सा भी सामने आ रहा है। शहर शहर जल तांडव। पांच तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ पांच शहर नहीं, 24 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो बाढ़ का तांडव झेल रहे हैं। बार बारिश में ऐसे ही स्थिति होती है बाढ़ में? हाँ, हर बार बाढ़ में होती है, पर इस बार बहुत बेकार हो गई है। इस बार तो कितने लोग तो भूखे मर रहे हैं, जिनके घर दो वक्त तक ले अजान नहीं हो पा रहा कि अपनी खा ले। अनपुरिया जी देख के गई ली ना, यहाँ सेवा काट के लेके गई ली, का देली खाली वोट नहीं है सबको। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, जहां बाढ़ से तबाही वोट के बहिष्कार तक आ चुकी है। वहीं खाना पूर्ति के लिए नेताओं के दौरे पर भी गुस्सा फूट रहा है। निशाने पर केंद्रीय मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल हैं। अनुप्रिया जी देख के गई ली ना, यहाँ जेबा काट के लेके गई ली, का देली खाली वोट नहीं है सबको। पूर्वांचल के 10 जिले बाढ़ की तबाही झेल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के हालात गंभीर होते जा रहे हैं। आखिर वाराणसी का ये हाल कैसे हुआ? बुधवार को वाराणसी में गंगा 72 मीटर के निशान को पार कर गई। ऐसा 8 साल में पहली बार हुआ। 11 अगस्त 2013 को गंगा ने 72 मीटर की सीमा को लांघा था। अब गंगा हर घंटे 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है। गुरुवार को गंगा 72.31 मीटर पर उफन रही थी। नतीजा ये हुआ कि बाढ़ का पानी अलग अलग रास्तों से शहर में दाखिल होने लगा। 25 साल की साधना पटेल ने दर्द भरी कहानी बयां की। बाढ़ में इनका घर तबाह हो गया, फसल डूब गई, अब लगान चुकाने के पैसे भी नहीं है। अरे बहुत भयानक स्थिति खराब हो जाती है। हम लोग को यहाँ के रोने की समय आ जाता है। हम लोग को बहुत स्थिति खराब है। छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, भाग भाग कर जा रहे हैं गांव में, फिर यहाँ पर घर देखने के लिए आ रहे हैं कि पानी कितना हुआ कितना नहीं। हम लोग को बहुत परेशानी यहाँ पर है। कमोबेश यही हाल पूरे गांव का है। 45 साल की इंद्रावती देवी का गुस्सा राज्य सरकार पर फूटा। गुस्सा इस बात का कि नेता चुनावों के समय सिर्फ वोट लेने के लिए मुंह दिखाते हैं। ऐसे में बाढ़ में जहां उनका सब कुछ तबाह हो गया, वहीं नेताओं से भी भरोसा उठ गया है। ये खाना दाना कुल डूब गया ल, खेती बाड़ी सब लगा लगानी पर है। उसका पैसा आए के चाहिए ना, लेकिन अधिकारी लोगन के जेबा में जात हो, हमने के जाई कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं न बान बनाए लो न कुछ हो भय लो। SDM तो वहाँ पे राशन बांट रहे, कह रहे सबको मिल। अरे राशन बांट रहे तो प्रधान हमने के देते हैं, आज तक पाई हमने। SDM कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिल रहा, जेके देते हैं तेके देते हैं। बाढ़ से बचाव के लिए टीकरी गांव के पास प्रशासन ने अस्थायी बांध बनाया था, मगर उसके बह जाने के बाद रमना बनपुरवा गांव में पानी तेजी से बढ़ने लगा। गांव वाले पलायन करने पर मजबूर हो गए। यहां ना तो NDRF की टीम पहुंची, ना सरकारी मदद। 2013 में बांध बनाने का भरोसा था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में लोगों ने बांध नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद किया। वाराणसी के बाहरी इलाके ही नहीं, शहर के पौश इलाके भी डूब गए हैं। वाराणसी में गली गली गंगा बह रही है। एक बार फिर जब काशी मुश्किल में है और लोग मदद के मोहताज हैं, तब नेता नदारद हैं। गंगा के जलस्तर में लगातार होती बढ़ोतरी के कारण वाराणसी की गलियां इस वक्त पानी से लबरेज नजर आती हैं। खतरे के निशान के ऊपर गंगा बह रही है। यही कारण है कि तटवर्ती इलाकों से लेकर के अब पौश रिहायशी इलाकों में भी पानी लगातार भरता जा रहा है।
उम्मीद कम है क्योंकि गंगा का जलस्तर नीचे होने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ एक समस्या है, सरकार जो विधायक हैं उनका यही एक समस्या है, बस वो आ नहीं रहे निरीक्षण करने के लिए, खाली बस फेसबुक के माध्यम से वीडियो डाल रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। इस क्षेत्र में वैष्णो नगर में कभी दिखे नहीं है। उसके बाद अभी उनको मैं कॉल भी किया था तो कहें इधर जलकुंभी है, उधर पहुंचा नहीं सकते राहत सामग्री। वाराणसी का ये हाल करीब एक हफ्ते से है। जब हाहाकार मचा तो प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशासन से बात की, वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला। एनडीआरएफ की बोट से उन्होंने वाराणसी में बाढ़ से मची तबाही देखी, मगर 2013 से बन रहा बांध कब पूरा होगा इसकी कहीं कोई खोज खबर नहीं है। सरकारी लेट लतीफी और केचुआ चाल में फंसा विकास तबाही की वजह बन गया है। तभी तो वाराणसी के लोगों के लिए इतने वर्षों में कुछ भी नहीं बदला। 2016, 2019 और अब 2021 में आने वाली बाढ़ ने उन्हें बेघर बेबस कर दिया है। वाराणसी से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी की उफनती नदियों ने 24 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। गर्मियों में बूंद बूंद को तरसने वाला बुंदेलखंड अब बाढ़ की तबाही झेल रहा है। वहीं मिर्जापुर और प्रयागराज में जिंदगी सैलाब की कैद में है। हैरान कर देने वाली ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की है, जिसमें गंगा नदी में एक घर बहता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बहते हुए घर को देखकर बरिया घाट पर मौजूद लोग हैरान रह गए। कंक्रीट से बना पक्का घर पानी में ऐसे बह रहा है मानो पानी में कोई नाव तैर रही हो। मिर्जापुर में इस मंजर को जिसने भी देखा वो अचरज में पड़ गया। मिर्जापुर जिले में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बाढ़ की वजह से 404 गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 24 जिले इस वक्त बाढ़ प्रभावित हैं। इसमें हमीरपुर, बांदा, इटावा, जालौन, वाराणसी, कौशाम्बी, चंदौली, हाजीपुर, औरैया, कानपुर देहात, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, आगरा, बलिया, मिर्जापुर, गोरखपुर, सीतापुर, मऊ और लखीमपुर खीरी शामिल हैं। 24 जिलों के 605 गांव में पानी भरने से हालात मुश्किल बने हुए हैं। ये संगम नगरी में बाढ़ के कहर की तस्वीर है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों के साथ ही इसकी सहायक नदियां भी उफान पर हैं। 8 तारीख से ही गंगा और यमुना दोनों नदियां अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। रिहायशी इलाकों में गंगा का पानी भरने से लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। इलाके में नाव के जरिए लोगों तक पानी की बोतलें और खाने के पैकेट बांटे जा रहे हैं। लोग अपने घरों की छतों से रस्सी में बाल्टी बांधकर लटकाते हैं और उसमें पानी की बोतल, खाने के पैकेट डाल दिए जाते हैं। हालात कितने खराब हैं उसे इस तस्वीर से समझिए, जिसमें लोग इसी तरह से नाव का इंतजार करते हैं। प्रयागराज के निचले इलाकों में चारों तरफ पानी और गंदगी फैली हुई है। बिजली न होने से अब लोगों के पास भी पानी खत्म हो गया है। इसके साथ ही कई परिवारों के पास खाने पीने का भी संकट खड़ा हो गया है। पानी नहीं है रहने, खाने के लिए, पानी पीने के लिए, और लाइट नहीं है। अब घर छोड़ के जाते हैं, यहाँ चोरी हो जाती है, पता आते हैं रात में उठा ले जाते हैं सामान सब, इसलिए घर भी नहीं छोड़ा जा सकता। प्रयागराज के बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव पर बैठना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। ये देखिए, पहली मंजिल पूरी तरह से डूब जाने की वजह से लोगों को घर के ऊपरी हिस्से में शरण लेनी पड़ रही है और नाव आने पर वहीं से उतरना पड़ रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई दौरा कर चुके हैं। डिप्टी सीएम ने इसके बाद एक बैठक भी की और अफसरों को भविष्य में बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए कदम उठाने के आदेश दिए। जो बाढ़ की समस्या है वह गंभीर रूप में थी, आज उसका मैंने हवाई सर्वे किया, निरीक्षण भी किया है। फिर बाढ़ से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक भी की है। यहाँ पे जो बाढ़ राहत केंद्र है उसकी भी व्यवस्था है, जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके सहायता के लिए भी। प्रयागराज के बाद अब गाजीपुर का हाल देखिए, जहां पर गंगा नदी रौद्र रूप में है। ग्रामीण इलाकों में हजारों एकड़ खेत गंगा में समा चुके हैं। वहीं शहर के कई हिस्सों में पानी घुसने से गंगा के तटीय इलाकों में रहने वाले लोग परेशान हैं।
अरे बाढ़ के लिए, चरने के लिए, खाने के लिए सब कठिन है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी दर्जनों गांव में घुस चुका है। बाढ़ के पानी में सैकड़ों एकड़ धान की फसल डूब गई है। सड़क जलमग्न है और घरों में भी पानी का कब्जा हो गया है। आलम यह है कि लोग छतों पर आशियाना बनाकर रहने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार ऐसे शहर भी बाढ़ की चपेट में हैं, जो इलाके पानी के लिए तरसते हैं। बुंदेलखंड में यमुना और केन नदी में आई बाढ़ ने बांदा के 2 दर्जन से अधिक गाँव में लोगों के जीवन को तहस नहस कर दिया। जिस बुंदेलखंड में कभी पानी की कमी से जिंदगी मुहाल हो गई थी, आज भी वहां पर जिंदगी मुहाल है, लेकिन इस बार सूखा नहीं, बाढ़ ने लोगों की जिंदगियों में दुश्वारियां ला दी हैं। बांदा की यमुना और केन नदी में बाढ़ आई है। दोनों ही नदियां खतरों के निशान से ऊपर बह रही हैं। हम इस समय पर, ये बांदा का शंकरपुरवा का इलाका है, ये केन नदी का पानी है। आप देखिए कि गाँव के अंदर किस तरीके से अंदर पहुंच चुका है। पूरे इलाके में ये पूरा खेत भर गया है। गांव के उस तरफ आप देख रहे हैं कि दूर मेरे सामने गांव दिखाई पड़ रहा होगा, ये शंकरपुरवा का इलाका है, वहां पर ये पानी पहुंच चुका है। लोग दूसरी जगहों पर जाकर के स्थापित हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जिन 24 जिलों में बाढ़ आई है, वहां रहने वाले लोगों के सामने सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये पानी तो कुछ दिनों में उतर जाएगा, लेकिन फसल डूबने से जो लोगों का नुकसान हुआ है, वो आगे अपना गुजारा कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। वाराणसी से अभिषेक मिश्रा के साथ संतोष शर्मा, बांदा आज तक। यूपी में बाढ़ का कहर फैलता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कई इलाकों का हवाई जायजा लिया और यूपी में बाढ़ है, सैलाब है, तबाही है। 24 जिले जहां पानी पानी है, जिंदगियां पानी के बीच फंस गई हैं। यूपी की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं और बेकाबू पानी शहरों से लेकर कस्बों तक को अपना शिकार बना रहा है। नदी किनारे बसे गांव की हालत बद से बदतर हो चुकी है। हजारों गांव सैलाब में डूबे हुए हैं और मदद का इंतजार कर रहे हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।